हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो मैं जॉब अपडेट लेकर और स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो एक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब चाह रहे हैं, जो 18 प्लस हैं, क्लास 12th पास हैं, हाउसवाइफ हैं, अपने करियर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रिलोकेट नहीं करना चाहते, तो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली फ्रेशर और एक्सपीरियंस वो भी इन सब में आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करो जिसमें आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होगा, कैसे आपका रिज्यूम सेलेक्ट होगा और कितने राउंड्स का इंटरव्यू होने वाला, सब कुछ इस वीडियो में क्लियरली बताने वाला हूँ। जो चाहते हैं अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन सब में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब करना चाहते हैं, तो भाई वो इस वीडियो को जरूर देखना। तो देर नहीं करते, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, मैं डेली बोलता रहता हूं, आप लोग बस वीडियो देख के चले जाते हो, मुझे आप सपोर्ट करो। मैं और इससे अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होता है और कई और ऐसी कंपनीज जो वैकेंसीज लेकर आती है तुरंत आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। और तो और मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप उसको भी ज्वाइन कर लो क्योंकि इसमें मैं अपने डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ। आज की जो जॉब है ये स्टार्टेक की तरफ से होने वाली, जो एजेस कंपनी है ये कंडक्ट करा रही है अपने इंटरव्यूज को और जो अपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, ये जो एजेस कंपनी है ये लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे ये अपना सिलेक्शन प्रोसीजर करती है। आप टोटली ऑनलाइन आपका इंटरव्यू प्रोसीजर होने वाला है और मैं पूरी डिटेल आपका जो लिंक है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपकी जो सैलरी होने वाली है फ्रेशर से लेके 5 ईयर एक्सपीरियंस जो भी है वो आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी सैलरी पैकेज 1 से लेके 2.25 लाख, जो मीन्स मोटी मोटा आपके हाथ में अराउंड 20,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक, तो इसके अलावा टोटली वर्क फ्रॉम होम है, हायरिंग लोकेशन लखनऊ में बता दिया हूँ, 2 दिन पहले अभी पोस्ट हुआ है, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन, वी आर हायरिंग फॉर परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, क्लियर कट लिखा हुआ, अर्जेंट ओपनिंग फॉर वॉइस प्रोसेस एंड परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, ये सब बता दिया है। ठीक है, और आपकी रोल क्या है, अब यहाँ पे काम ध्यान देने वाला है। ठीक है, लिसनिंग टू कस्टमर्स कंसर्न इशू एंड क्वेश्चंस, इन सब के बारे में जैसे जो नॉर्मल चीज़ें हैं, यार आपने भी कई बार जैसे आपने भी कई बार कॉल किया होगा तो उन सब जगहों पे भी जैसे इजीली आप जैसे कस्टमर केयर से बात करके कोई भी आपकी जो डिमांड होती है आपको फुलफिल करते हैं, तो यही सब चीज़ें होती हैं। ठीक, कोई भी क्वेरी होती तो आप रिजॉल्व आउट करते हो, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना यार। डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफेशन, किस टाइप के कैंडिडेट चाहते हैं, फ्रेशर या एक्सपीरियंस दोनों चलेगा, अंडर ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई, जो ग्रेजुएशन जो अभी क्लास 12th पास आउट है वो भी अप्लाई इजिली कर सकते हो। ठीक है, मस्ट बी फ्लेक्सिबल विथ रोटेशनल, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी काम की चीज़ें लोगों ने लिखी हुई है कि इनको रोटेशनल शिफ्ट में जो कम से कम 3 महीने तक काम कर ले पहले, तो इसलिए उनको चाहिए ये चीज़। ठीक है, और वीक ऑफ नो प्लान्ड, मींस इनको अभी वीक ऑफ में भी छुट्टी नहीं देंगे, वो कभी कभार बीच में भी वीक में छुट्टी दे देंगे, रोटेशनल शिफ्ट कभी डे की ड्यूटी लग सकती है कभी नाइट की, तो ऐसे करके आपका चलेगा ये 3 महीने तक कम से कम। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, शुड हैव अ लैपटॉप विद कोर i5 वाईफाई स्पीड, 50 Mbps के कनेक्शन होने चाहिए, इंटरव्यू जो होगा वर्चुअल इंटरव्यू चलेगा इसमें, सैलरी मैंने बताई है 2.4 लाख LPA तक हाइएस्ट सैलरी इनकी जा सकती है। ठीक, इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन शेयर योर CV इन, जो किस पे शेयर करना है वो ईमेल आईडी दी हुई है यहाँ पे, रोल सारे बता दिया है, BPO का है, सब कुछ बता दिया। ठीक, अब यहाँ पे काम आती है, जैसे लोग कहते हैं कि हाँ सर मैंने इस पे अप्लाई किया, मेरे पास वहाँ से रिवर्ट बैक मैसेज नहीं आया, तो भाई हम लोग पहली बात तो ये है, फिर आप कहने लगते हो कि नहीं नहीं आप फेक बताते हो, नहीं नहीं मैंने जो वैकेंसी जो भी मैं अपने यूट्यूब पर डालता हूँ कोई भी फेक नहीं होती है, सब कुछ टेस्टेड होती है, उसके बाद मैं लेकर आता, जेन्युइन होने के बाद मैं लेकर आता हूँ। अगर आपके पास रिवर्ट बैक नहीं आता तो ये नहीं सोचो कि इसमें मेरी गलती है, भाई कहीं ना कहीं मिस्टेक तो कुछ ना कुछ हुई तभी तो नहीं आया। ठीक है, पहली चीज़ जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं बाबा कहता हूँ आप सब्सक्राइब करो क्योंकि डेली मैं जॉब के लिए अपडेट्स लेकर आता था। आप एक वैकेंसी पर अप्लाई करके बैठ के उसका इंतजार मत कीजिए, आप सब पे अप्लाई कीजिए। ठीक है ना, और जिसमें जॉब ज्वाइन आप कर सकते हो उसमें जॉब कर लो, उसके बाद और भी वैकेंसी मैं डेली लेकर आता था तो फिर और भी आप अप्लाई करते रहो। मैं हमेशा अपने जितने भी व्यूवर्स उनको यही एडवाइस करूंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है भाई कि जब आप अप्लाई करो, देखिए जैसे इसमें ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको उनका अपना CV भेजना है। अब CV आप ऐसे ही मत भेजो, CV को पहले आप देखिए, जिसमें इंटरव्यू जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 4 पार्ट में है, पहला पार्ट जो होगा CV का सिलेक्शन होगा, ठीक है, CV का शॉर्ट लिस्टिंग होगा, और अगर आपकी CV ही उतनी अट्रैक्टिव नहीं रहेगी तो वो तो वहीं से बाहर हो जाएगी, तो आप आगे के राउंड्स कैसे जाओगे। तो पहले तो CV आपको पहले ये देखना है कि क्या इनकी जो वो है डिज़ायर इनका क्या क्या है, उस डिज़ायर पे आपकी CV बैठ रही है कि नहीं, कुछ कुछ जो कीवर्ड्स इन लोगों ने लिख रखे हैं वो सब
है आपके पास कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वो सब चीज़ अपने सीवी में आप पहले बात तो डाल लीजिए, क्योंकि ये लोग इन सब कीवर्ड से सर्च करते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू आपके सारी सीवीज, इतने थाउजेंड एंड थाउजेंड सीवी आते हैं, हर सबका सीवी थोड़ी ना देखता है, वो सब कीवर्ड्स डाल देते हैं, वो जितने कीवर्ड्स जिसके सीवी में मैच होते हैं बस वही सब शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो पहला काम, ये सब चीज़ें मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे शॉर्ट लिस्टिंग होती है, क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया, आप प्लीज़ उसको देखिएगा, उसका भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप उसको पहले देखिए, ठीक। तो जैसे यहाँ कीवर्ड्स है, फ्रेशर एक्सपीरियंस, अंडर ग्रेजुएट, ये सब तो चलो ठीक है, फ्लेक्सिबल विथ रोटेशनल शिफ्ट, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, तो इसको ज़रूर लिखिए, आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप ये लैंग्वेजेस जानते हो, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर इसमें लिखो डिजायरस। और फिर उसके बाद ये क्या क्या रोल है, रोल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो आपको की पॉइंट्स लगती हैं कि हाँ पोटेंशियल कस्टमर आपके पास मींस एक कॉन्फिडेंस से बात करने का, जैसे ये सब चीज़ें दी हुई हैं। इंटरेक्शन है तो इंटरेक्शन वो कीवर्ड सर्च करेंगे कि हाँ मैं बहुत इंटरेक्टिव हूँ इससे बात करता हूँ, तो ये सब चीज़ आप स्पेशली अपनी इसमें लिखिए। और एक कवर लेटर भी, मैं तो यही एडवाइस करता हूँ कि भाई ये कवर लेटर भी, कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर एक टाइप का एप्लीकेशन होता है, जैसे मैं किसी कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ तो एक एप्लीकेशन लिख के साथ, तो अगर आपके सीवी दो पेज का तो एक और पेज ऐड करके उसमें कवर लेटर भी बना के उसको भेजिए, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो इन सब चीज़ों से सीवी आपका जो है शॉर्ट लिस्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है, तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। पहला तो ये हो गया अप्लाई का। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है मैं बता दूँ, उसमें अप्लाई यहाँ पे आप आएंगे तो रजिस्टर टू अप्लाई या लॉगिन टू अप्लाई, अगर आपकी पहले से ईमेल आईडी या ये सब बनी हुई है इस पर तो आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फिर या तो गूगल से आप अप्लाई कर लो या तो फिर रजिस्टर कर लो, रजिस्टर टू अप्लाई, तो यहाँ से आप इजीली अप्लाई कर लोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी सीवी की शॉर्टलिस्टिंग। दूसरा होगा जब आपके पास एक टेलीफोनिक राउंड आएगा एजेस के एचआर का, वो आपको कॉल करके आपका चेक करेगा कम्युनिकेशन स्किल सही है, इसको आगे वाले राउंड में ले जाने लायक है कि नहीं है। वो एक दो मिनट का या तीन चार मिनट का टेलीफोनिक राउंड होता है, थोड़ा सा आपके बारे में पूछ लेगा, अपने बारे में कुछ बताओ, तो फोन पे ही सब चल जाता है, ठीक है। और अगर आप आगे के लिए प्रोसीज फर्दर होते हो तो आपको फोन पे ही बता देगा कि भाई देखो अब आप आगे वाले राउंड के लिए जाओगे, और नहीं होता तो फिर कहेगा ठीक है आपको इन्फॉर्म करेंगे हम करके, ठीक है। तो आप नेक्स्ट राउंड में फिर एक टेलीफोनिक राउंड होगा जो फिर फ्लिपकार्ट का ही एक एचआर कॉल करेगा, एक दो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये ई कॉमर्स कंपनी कैसे बेनिफिशियल है, कोविड टाइम में कैसे इसने हेल्प किया, आप अगर मींस आप कितना इससे मींस आपको क्या लगता है, आपने एक्सपीरियंस बताइए, ठीक है। तो इसके राउंड के बाद फिर एक जो लास्ट राउंड होगा वो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस राउंड होता है, वीडियो कॉलिंग होता है जो गूगल मीट पे होता है। तो ये तीन चार राउंड होते हैं, उसमें भी कुछ सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चन वो लोग देते हैं जिसमें पूछते हैं, और इन तीन चार राउंड के बाद आपको सिलेक्शन। अब घबराना नहीं है, ये मैं अगर आपको बता रहा हूँ, ये सब बहुत ईजी होता है यार, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग इतने कम्युनिकेशन करते ही करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने स्पेशली आपको इसलिए बताया था कि आप ये समझ सको कि हाँ भाई हमको ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, और ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करके आप ऑब्वियसली ये जॉब बिल्कुल आराम से पा सकते हो। मैंने खुद दिया है इसलिए मैं ये सब प्रोसीजर फॉलो करके इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ऐसा ऐसा चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मैं पहले खुद पे टेस्ट करता हूँ उसके बाद आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आई होगी, और फिर भी कोई डाउट हो जाए तो भाई आप बिंदास कमेंट करो, मैं हर कमेंट को देखता हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।